नमस्कार माला भाइयों, भाई बहनों, थोड़े काले है ना। कल हमने वो देखा था नॉमेनक्लेचर, थोड़ा बहुत बेसिक नॉमेनक्लेचर था। अभी टॉपिक को आगे लेके जा रहे हैं हम, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मतलब चैप्टर में ही जा रहे हैं अभी, हेलो अल्केन हेलो एरीन में। तो चैप्टर कैसे डिजाइन किया गया है वो पहले देखेंगे। चैप्टर का अगर डिजाइनिंग रहा है हेलो अल्केन हेलो एरीन, वैसे तो ये चैप्टर का वाला पोर्शन मैंने कंप्लीट किया हुआ है, तो करवाना ही नहीं चाहिए लेकिन अभी करवा देते हैं। बाकी हाफ चैप्टर मैंने कंप्लीट किया हुआ है, वीडियो भी है उसके मेरे पास। अब तमर जो था तो नहीं, बराबर हेलो अल्केन हेलो एरीन, उसमें बात ये है। इसलिए सिलेबस में लेट साहिबो नहीं है, लखण है तुम्हारे तब लेट रहो है। बाकी आ चैप्टर अर्धु में कराई लू तो अर्धे थी पढ़वा था तुम्हारे कराई लू, क्यों वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मेरिज्म बदू उड़ाई मारी है, कायरल कार्बन वायरल कार्बन बदू नॉमेनक्लेचर में नॉर्मल आइसो नहीं हो भी बदू उड़ाई लू है हमने। कितना लोग भरने लाए बदू हाँ, तो बाकी ना रात वीडियो जो हूँ तुम्हारा भी चालू करो, हूँ डायरेक्ट जो थी उड़ाई लू चौथी पाठ चैप्टर બરાબર એ વિડીયો જો બધા પડ્યા છે લાઈન સર ગોલી ગોલી જ્યાંથી મેં ઉડાવ્યું ત્યાંથી ઉપાડું અને હું રાતે આવું જ છું રોજ ડાઉટ માટે, એટલે વિડીયો જોઈ લેજો બધું કમ્પ્લીટ જ છે એના વ્યાપો ઉપર, અને ડે સ્કોલરને બી આવી જવાનું બાકી તો આવી જવાનું, બાકી લિંક તો મળશે તો અંદર બેસવા રહીશ ગ્રુપમાં, નહીં મળે તો ફાઇન ચાલો કાં છે। લાસ્ટમાં મેં કાં તક કરવાયા હતા, મેં સીધા જીએમપી પી આવી ગયા હતા, હે ને સબ કુછ ખતમ કર દેગા दे दो। एक सब क्लासिफिकेशन ने फिर से क्यों करवाऊं, सही है वो एल आई ने वील आई ने सब पढ़ाया हुआ है मैंने, और नल्लो के लिए मैं दूसरे अच्छे स्टूडेंट का टाइम क्यों बिगाड़ू, वो जो हरामी है उनके लिए मैं सबका टाइम क्यों बिगाड़ू। क्या क्या करवाया हुआ है मैं एक बार याद करवा देता हूँ, बुक में से देख लो, बुक कौन नहीं लिखे बेटा, क्यों क्यों लाई आलू बुक, स्कूल थोड़ी आंसर से जाते रहा वहां से हवा वही आई गया ना लाई दे वहां अपने या कौन नहीं बुक। आज तू लेके बैठने का कल से आप ये लेक्चर में हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर है। पहले चैप्टर में मतलब पहले ये जो है इंट्रोडक्शन, इसमें क्या लिखा है वो बता देता हूँ। हेलो अल्केन क्या होता है, तो पहले अल्केन होता है आर एच, क्या होता है आर एच, ये अल्केन है क्या है, इसमें से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हेलोजन से हो जाए तो बनता है आर एच, इसको कहते हैं हेलो अल्केन। ये अल्केन का डिराइवेटिव से क्या है, डिराइवेटिव मतलब ना जाए दौलत, जब भी मैंने पढ़ाया तब समझाया हुआ है समझ गए, डिराइवेटिव का मतलब होता है ना जाए। बराबर मेरे पास मिथेन है सी एच फोर और इसमें से इथेन बने सी एच थ्री सी एच थ्री, तो ये इसका वंशज है, क्या है वंशज, वंशज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में आप लोग, ऋषि है वो मेरा वंशज है, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, अरे सन तो मुझे भी बताए सन इतना छोकरो था, वंशज का मतलब नहीं समझ में आया, ये मेरा वंश है वो, तो इंग्लिश मीडियम शू कब राखी हुई पसी एटलू नहीं खबर है मारा तो घना आसान बोलो वंशज ना हूँ गया इंग्लिश में तो हूँ मुआ दो अत्या घर हमने कहा वंशज को कुछ तो बोलते होंगे ना कि ये मेरा वंशज है ऐसे इंग्लिश में, ढूंढ के लाना कल, कल नहीं आज के दिन सर आए ढूंढ के बता देना मेरे को थर्ड लेक्चर में। ये इसका वंशज है क्योंकि मिथेन है ये इथेन है, सागर भाटी कृषि भाटी उसका बेटा एक्स वाई जेड भाटी, हर एक के नाम के पीछे क्या लग रहा है भाटी, वंशज है मेरा CH4 मिथेन
कौन सी कास्ट है इसकी? एन। कास्ट वास्ट कुछ नहीं है, सफिक्स है। इथेन क्या लगा? एन। समझ रहे हो? और मिथेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया और बन गया CH3Br। क्या बन गया? तो ये इसका डेराइवेटिव है। क्या डेराइवेटिव? मिथेन में से इथेन, अल्केन में से अल्केन बनना वो वंशज है, अल्केन में से हेलो अल्केन बन जाना उसको डेराइवेटिव्स बोलते हैं। व्युत्पन्न कहते हैं हिंदी में इसको। क्या कहते हैं? तो महाराजा शिकार पे गए और नया राजकुमार लेके आए, तो वो डेराइवेटिव्स कहलाया जाता है। चलो बस यही लिखा है, बाकी ये समझाया है कि ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हेलो अल्केन और हेलो एरिल। तो हैलोजन कंपाउंड हमारे लिए यूजफुल होते हैं। शायद आपने नाम सुना हो पायरीन। क्या नाम है? पायरीन, CCl4। ये जो पायरीन जो है, CCl4 जो है, आग बुझाने के लिए काम आता है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? जोर से बोलो थोड़ा, ऐसे कॉमेडी बात है तो बहुत जोर जोर से आती है। फायर एक्सटिंग्यूशर। हाँ, फायर एक्सटिंग्यूशर है। कौन? CCl4। इसका दूसरा नाम है पायरीन। क्या नाम है? पायरीन। तो ध्यान रखना है, फायर एक्सटिंग्यूशर है, पायरीन है, CCl4 है, जो एक हेलो 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 अल्केन है। क्या है? इसके सिवा आयोडो बम आता है। क्या आता है? CH3। एंटीसेप्टिक है और सुंदरता बढ़ाने के लिए काम आता है। जो लड़के यूज करती है ना, फेरल लवली बोरो प्लस, लड़के यूज करते हैं फेरल हैंडसम सिर्फ मर्दों के लिए। नया फेरल हैंडसम सिर्फ मर्दों के लिए। हाँ, वो जो आता है आयोडोफॉर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म। ये भी एक हेलो अल्केन ही। इसका यूज क्या है? एंटीसेप्टिक के जैसे यूज कर सकते हो, ब्यूटी को बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है। दूसरा में ये मतलब बहुत सारी जो हमारी ड्रग्स बनती है, क्या बनती है? ड्रग्स। जो दवाइयाँ बनती है उसके अंदर इसका यूज होता है। किसका? हेलो अल्केन। बहुत से पेंट्स, बहुत से सॉल्वेंट, बहुत से इनके अंदर ये हेलो अल्केन लोग होते हैं। बस यही सब कुछ लिखा हुआ है। एक क्लोरोक्विनाइन जो मलेरिया की ड्रग के लिए यूज हुआ था। किसकी? वैसे तो क्विनाइन था, जो सिंकोना करके एक पेड़ आता है, उस पेड़ की जो छाल होती है उसके अंदर से जो जूस निकला था उसके अंदर से क्विनाइन निकला था, जो मलेरिया के लिए यूज किया गया था पहले, फिर क्लोरोक्विनाइन, उसके साथ बहुत सारे डेराइवेटिव्स थे उसको ड्रग्स बनाने के लिए यूज किया गया था। इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा। लिखा है अंदर ये कि जो एंटीबायोटिक होती है क्लोर एंथेनिकॉन, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक आप समझते हो, सबसे पहली एंटीबायोटिक शायद से पेनिसिलिन थी जहाँ तक मुझे याद है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसने एक्सीडेंटली वो फाइंड किया था, वो एक प्लेट लेके बैठा था और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहा था। गलती से हुआ ये कि उसने प्लेट धोना भूल गया और दो तीन दिन तक उसकी प्लेट वैसे की वैसी पड़ी रही, तो उसके ऊपर एक फंगाई आ गई थी, है ना, और पेनिसिलिन नोटेडम करके। तो हुआ ये कि जो फंजाई थी उसने एक केमिकल रिलीज कर दिया और उस केमिकल का नाम था पेनिसिलिन, है ना। और उस केमिकल की वजह से हुआ ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाए। अब ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या था, तो बता दूं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था फ्लेमिंग। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? ऑलरेडी आई एम इज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। मैंने जो BSc है वो केमिस्ट्री के साथ नहीं किया है, माइक्रोबायोलॉजी के साथ किया है, और मैं चाहूँ तो मैं लैब स्टार्ट कर सकता हूँ, है ना। मैं BSc केमिस्ट्री नहीं हूँ, मैं BSc माइक्रोबायोलॉजी हूँ। TY में माइक्रो था मेरा। चलो, तो ये एक पैट्री प्लेट बोलते हैं इसको, पैट्री डिश होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग मीडिया का यूज करते हैं। अगर अगर मीडिया होता है, ईस्ट मीडिया होता है, है ना। तो ये जो मीडिया होता है वो मीडिया क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते रहते हैं, है ना। चलो, सबसे अच्छा मीडिया किसको माना गया है? अगर अगर इस्टेक्टेड है ना, इसमें सबसे अच्छा कौन है? एक और भी मीडिया आता है उसको बोलते हैं मैकोंग की सूप मीडिया, है ना। तो सबसे अच्छा कौन सा है? इस्टेक्टेड मीडिया इज गुड, है ना।
ओके, तो ये सब इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब ग्रो करेंगे? जब पेनिसिलिन एब्सेंट होगा तब। और पेनिसिलिन आया कैसे? रोटी है हमारे घर पे, अगर रोटी एक दो दिन पड़ी रहेगी तो फिर क्या होगी उसमें? फंजाई। ऐसे ही क्या होगा, बीच एक दो दिन पड़ी रहेगी, वो धोना भूल गया उसको, अंदर फंजाई पैदा हो गई, फिर उसने मीडिया डाला, खाने पीने की सब चीज़ें डाली, फिर भी दे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर रहे, वो टेंशन में आ गया एक सारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो क्यों नहीं कर रहे। एक दो फ्रेंड को पूछा कि ये मेरी डिश है ना, इसके अंदर खराबी आ गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते। उसके फ्रेंड ने बताया भाई गधे खराबी नहीं है, इसके अंदर कोई दूसरा केमिकल है जो केमिकल इनिबिट कर रहा है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फिर सब फ्रेंड्स ने मिलकर ढूंढा कि ये केमिकल है क्या, तब पता चला कि फंजाई अंदर बन गई है, वो फंजाई ने पेनिसिलिन प्रोड्यूस कर दिया है, और पेनिसिलिन इतना पॉइजनस है कि उसकी असर से सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, एक भी ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हो रहा। फिर क्या किया गया, पेनिसिलिन हम पे ट्राई किया गया, तो ये पाया गया कि पेनिसिलिन हमारे लिए इतना हार्मफुल नहीं था जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए था। और ये सोच के फिर एंटीबायोटिक्स बनाई गई कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर आके हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो हम पेनिसिलिन ले लेंगे स्मॉलर अमाउंट में, ऐसा नहीं है फिर बॉटल भर के पेनिसिलिन पी लेना है, थोड़ा बहुत पेनिसिलिन लेंगे ताकि हमारे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचा रहा है वो मर जाए, तो हमें कुछ ना हो। ऐसे करके एंटीबायोटिक मार्केट में आया था। पहले पेनिसिलिन था लेकिन इतना अच्छा नहीं माना गया था पेनिसिलिन को। इसके बाद टेट्रासाइक्लिन, एरिजिथ्रोमाइसिन ये सब आने लगे। और भी सबसे अच्छा आपको मैं बताऊँ कोई एंटीबायोटिक तो वो है क्लोरोएम्फेनिकोल, है ना। ज़्यादा वैसे तो एजिथ्रोमाइसिन ज़्यादा सही है, और एजिथ्रोमाइसिन का ये कंटेंट ही है, एजिथ्रोमाइसिन का ही एक कंटेंट है क्लोरोएम्फेनिकोल। सेम टू सेम ये केमिस्ट्री में फिर से एक बार आएगा, बायो में भी आएगा कि क्लोरोएम्फेनिकोल ये क्या है। तो क्लोरोएम्फेनिकोल इज एंटीबायोटिक, तो हाईलाइटर तो होंगे नहीं आपके पास, तो आप हाईलाइट करेंगे कैसे इसको। दूसरी एक बात है क्लोरोक्विनाइन, जो मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए काम में आया था, और हेलोइथेन जो होते हैं, हेलोइथेन में मैं बात करूंगा CHCl3 की। इसने लिखा है हेलोइथेन, और मैं स्पेशल बात करूंगा यहाँ पे CHCl3 जो एनेस्थेसिक एजेंट है। क्या है एनेस्थेसिक एजेंट? जब भी ऑपरेशन वगैरह होता है या फिर कोई सर्जरी होती है बड़ी सर्जरी, तो हम जो भी आदमी है उसे हमें मतलब बेभान करना पड़ेगा, ऐसा कहूँगा मैं, मतलब उसको उसका जो सिस्टम है वो काम नहीं करना चाहिए उसको। क्या बोलते हैं उसको, बेभान करने को क्या बोलते हैं? हाँ, पेपर कैसे लिखोगे? एक काम करूँ भाई, गुजराती मीडियम में कन्वर्ट हो जाऊँ सर, खोटी बोर्डा को नाम लो इंग्लिश मीडियम में खाली यार, कैसे लिखोगे? मतलब कोई आदमी को बेभान करना है उसको क्या लिखते हो? हाँ तो फिर रखा क्यों भाई? स्वाड तो नहीं बेबहन करवाने चाहिए तो भाई हमें अंत में कहते हमें आ रहा गुजराती मीडियम में भड़े इंग्लिश मीडियम भड़ावा तो आई गया ताकत थी, बोलो भाई बेबहन करवा लूँ क्या है? जो भी क्या है मैंने तो सर्जरी के दौरान उसको मतलब लेटा के ऑपरेशन वोपरेशन करना है तो उसको एनेस्थेटिक एजेंट्स देने पड़ते हैं, सुंघवाने पड़ते हैं ताकि उसको पेन कम हो। क्या कम हो? पेन। बाकी तो क्या है कि वो अगर सजाग अवस्था में रहा तो पेन ज़्यादा होगा उसको, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म। क्या यूज़ किया जाता है? इसने लिखा है हेलोइथेन इज यूज फॉर एनेस्थेटिक एजेंट। मैं बता रहा हूँ कौन सा हेलोइथेन, तो लिखना मत कुछ भी बुक में, वरना आ जाएगा आपको, मैं ये समझा रहा हूँ। ये सब कुछ है ना बुक में लिखते मत रहना। अरे बुक में लिखो नल्लो, जो हेलोइथेन लिखा है ना उसके पास लिख दो कौन सा हेलोइथेन, क्लोरोफॉर्म। क्लियर? और पूछेंगे ये क्लोरोएम्फेनिकोल किसके लिए काम आता है? टाइफोइड। किसके लिए? टाइफोइड के लिए। क्लोरोक्विनाइन मलेरिया के लिए। क्लोरोफॉर्म एनेस्थेसिक एजेंट के लिए। CCl4 फायर एक्सटिंग्विशर पूछेंगे ऐसे वो। फिर होता है फ्रियोन। क्या होता है फ्रियोन? CaF2Cl2 CF2Cl2 ये चल रहा है ना अपना AC रेफ्रिजरेटर,
सब इसके दम पे चलते हैं। फ्रियोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फ्रियोन, काफ टू कल टू सी एफ टू सी एल टू, क्या नाम है बच्चे का? फ्रियोन। इसके ऊपर चलता है सब, एसी रेफ्रिजरेटर वगैरह, समझे? चलो तो ये ध्यान रखना है हमें, क्या ध्यान रखना है? ये सब ध्यान रखना है हमें। दूसरा है आयोडीन, क्या है? आयो में भी पढ़ के आएंगे, अगर आयोडीन की कमी है तो गाइटर होता है। जो यहाँ पे दो ग्लैंड्स हैं थायराइड्स और पैराथायराइड्स, इसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है बिना आयोडीन के, यही बोलता है ना? ग्रोथ ज्यादा होती है कि फूलते ऐसे बोलते हैं, ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पे जो ऐसा बड़ा धब्बे जैसा होता है उसको क्या बोलते हैं? गाइटर। तो आयोडीन क्या है? आयोडीन क्या है? चालकोजन है। आयोडीन तो चालकोजन है। अरे हैलोजन है आयोडीन। तो ये चैप्टर भी क्या है हमारा? हैलोजन। तो इसके यूज दिए है, मतलब ये क्या समझाया है हमें कि चैप्टर क्यों पढ़े? क्योंकि यूजफुल कंपाउंड दे रहा है, इसीलिए इस चैप्टर को हम पढ़े। क्लियर? तो ये अभी मैंने एक बार बोल दिया, दूसरी बार नहीं बोलूंगा, सीधा एक्शन लूंगा। क्लोरोएम्फेनिकोल क्या नाम आता है बाप जी? तू बाप जी है भाई। क्लोरोएम्फेनिकोल क्या नाम आता है? टाइफाइड के लिए। मलेरिया के लिए कौन सा काम आता है? बुक का है तेरी? क्यों आया है? हाथ ऊपर नहीं किया था बिना बुक में, है? हाँ तो क्लोरोक्विन नहीं, क्या काम आता है? मलेरिया के लिए, मलेरिया के लिए पूछा था क्लोरोक्विन नहीं। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा है? हाँ सीसीएल फोर। सीएचसीएल थ्री क्या करता है? हाँ साड़ा समझता है तू खुद को। सीएचसीएल थ्री क्या करता है? सीएचसीएल थ्री क्या करता है? नाचता है कोठे पे जाते हैं। तो सीएचसीएल थ्री एनेस्थेटिक एजेंट होता है। सीएचसीएल थ्री का दूसरा नाम क्या है? अरे सीएचसीएल थ्री का दूसरा नाम क्या है? लिखना मना है ना, सब लिखो मत। क्या है सीएचसीएल थ्री दूसरा नाम? क्या एलईच है? क्या है दूसरा नाम उसका? क्लोरोफॉर्म नाम है उसका। क्या है एंटीसेप्टिक कौन सा है? एंटीसेप्टिक कौन सा है? सीएचआई3। उसका नाम क्या है? ये क्लोरोफॉर्म हुआ तो ये क्या हुआ? आयोडोफॉर्म। सी एस सी एल थ्री है, ये सी एच आई थ्री है, सी एल क्लोरोफॉर्म, आई थ्री आयोडोफॉर्म। तो लिखते क्यों नहीं हो सब? लकी यार भाई, अंदर लकी देख ली भाई। तो ये खाली बस ये सब कुछ दिया है, बाकी कुछ दिया नहीं, बराबर? चलो दूसरा ये समझाया है यहाँ पे कि हेलो एल्केन जो है वो इस टाइप के होते हैं आरएक्स, और हेलो हैलीन के बारे में क्या बताया है वो, ये मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको खाली रिवाइज करवा के आगे बढ़ रहा हूँ, समझ गए? बाकी जिनको पढ़ना बाकी है शाम को 8:30 बजे ऊपर अरेंज हो जाने का कुर्सी ले दे। बाकी जो एक बार पढ़ चुके हैं जिनके पास नोट्स है वो मैं अभी बोल रहा हूँ, नोट्स देख लेना, अगर एक बार पढ़े हुए हो आ जाएगा आइडिया। हाँ अगर आपको भी ऐसा लग रहा है नहीं है तो आप भी ऊपर मस्ती से बैठ जाना अरेंज हो। अभी ये है अपने पास क्या है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन आर एक्स होता है, क्या होता है? आर एक्स। आर मतलब मिथाइल, सोच लो क्या हो गया सी एच थ्री, एक्स क्या बनेगा सी एच एच एच, और यहाँ पे एक्स। हेलो एल्केन में ये पाया गया है कि हेलोजन जिस भी कार्बन के साथ अटैच होता है वो कार्बन एसपी थ्री होता है। कैसा होता है? हेलो एल्केन में जनरली ये होता है। ये तो थोड़ा पागल आदमी है जिसने ऐसा लिख दिया, हर बार ये होना जरूरी नहीं है।
जनरली ये होगा हेलो अल्केन में कि हेलोजन जिसके साथ अटैच है वो कार्बन sp3 होगा, इसके अंदर हेलो अल्केन। मैं बोलता हूँ ये कंपलसरी चीज नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है तो आप इसको 100% ट्रू मान सकते हो अगर TFTT वाले क्वेश्चन आए तो। समझ गए। बात नंबर दो है हेलो एरिन। क्या है हेलो एरिन? तो हेलो एरिन कैसे बनते हैं वो थोड़ा समझा देता हूँ। हेलो एरिन कैसे बने? तो हेलो अल्केन क्या है? हेलो अल्केन क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। हेलो अल्केन इज डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन पता चल रहा है? अल्केन है उसका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेगा हेलोजन से और जो मिलेगा वो है डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। और डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन ही है हेलो अल्केन। समझ गए। ओके, हेलो अल्केन हमें क्यों पढ़ने चाहिए? क्योंकि यूजफुल रहता है, इसीलिए हमें उसको पढ़ना चाहिए। क्लियर। दूसरी यहाँ पे एक बात है हेलो एरिन। दूसरी बात क्या है? हेलो एरिन करके है। तो हेलो एरिन को हमें समझना पड़ेगा। हेलो एरिन में बात ये है हमारे पास कि हम बेंजीन ले, क्या ले? बेंजीन। चलो ये हमारे पास बेंजीन है। क्लियर है। ओके, ये हमारे पास बेंजीन है, यही होता है बेंजीन। आंसर देने का रखो, है ना? मूल मगनी भरे हो, मरे हुए नहीं हो आप, इतने भी बुढ़े नहीं हो गए कि हाँ भी नहीं बोल सकते। ये क्या है? बेंजीन है। बेंजीन में से क्या हो, एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाए और उसके बदले कोई भी हैलोजन लग जाए तो उसे हम हेलो एरिन कहेंगे। क्या कहेंगे? जरूरी नहीं है कि ये चीज बेंजीन में ही हो, टोलुइन में भी ये चीज हो सकती है, नेफ्थलीन में भी ये चीज हो सकती है। नेफ्थलीन क्या होता है? कैसा होता है नेफ्थलीन? ऐसे दो रिंग होती है नेफ्थलीन के अंदर, है ना? कोई बात नहीं, ये सब नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। फिर होता है एंथ्रासीन जिसमें तीन रिंग होती है, फिनाद्रीन होता है तीसरी रिंग ऊपर चली जाती है, नेफ्थासीन में चार रिंग होती है। थोड़ा बहुत देख लेना 11th की बुक, आइडिया आएगा। खाली ऐसे पत्ते घुमाने और ये ढूंढ रहा है बेंजीन कहाँ पे लिखा है। लिख दो, मैं बोलता हूँ बेंजीन, नेफ्थलीन, बेंजीन, नेफ्थलीन, फिनाद्रीन, एंथ्रासीन और नेफ्थासीन। कितना ढूंढना है 11th की बुक में से? नेफ्थलीन और नेफ्थासीन दो है, फिनाद्रीन, एंथ्रासीन, नेफ्थासीन, नेफ्थलीन, बेंजीन। इतनी चीजें 11th की बुक में से ढूंढनी है होमवर्क की। जितने टाइम लिखवाने में हुआ इतने टाइम में मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता था, लेकिन नहीं करवाया। क्यों? मैं करवा दूंगा स्ट्रक्चर ड्रॉ, लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहेगा। आप ढूंढोगे अंदर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, लाइफ टाइम तक याद रहेगा। बाकी जितना टाइम होगा लिखवाने में वो जल्दी में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अब ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, फिर भी एक बार ढूंढ लेना। ये बेंजीन है, ये क्या है? नेफ्थलीन। ये एंथ्रासीन हो गया। क्या हो गया? एंथ्रासीन। क्या हुआ? एंथ्रासीन। एक रिंग और खींच लिया, ये हो गया नेफ्थासीन। क्या हुआ? नेफ्थासीन। फिनाद्रीन ऐसा होगा, फिनाद्रीन में तीन ही रिंग होती है लेकिन एक रिंग ऊपर चली जाती है। समझ गए? इसको बोलेंगे फिनाद्रीन। क्या बोलेंगे? एक रिंग बेंजीन, दो रिंग नेफ्थलीन, तीन रिंग एंथ्रासीन, तीसरी ऊपर गई फिनाद्रीन, चार रिंग नेफ्थासीन। बस यही होता है। चलो, हेलोएरिन समझ में आ गया? एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन का क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा? हेलोजन के द्वारा। और जो कंपाउंड बनेगा उसे क्या कहेंगे? हेलोएरिन कहेंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे डेफिनेशन हेलोएरिन और हेलो अल्केन। हेलोएरिन में जनरल ट्रेंड ये है
हैलोजन में जनरल ट्रेंड ये है कि जिस कार्बन के ज्यादा हैलोजन अटैच है वो साला sp2 है। वो कैसा है? sp2 है। तो एक चीज हमें ये याद रखनी है कि हैलोजन में जहां पे भी हैलोजन अटैच होता है वो कार्बन sp2 रहता है। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई है। इसके बाद का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन है, मैं एक बार से फटाफट से याद करवाऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन है वो है एटम ऑफ, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स पे डिपेंडेंट है पहला। दूसरा है टाइप ऑफ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, उस पे टाइप ऑफ कार्बन पे डिपेंडेंट है। और तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन पे। नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स अगर देखा जाए तो मोनो हैलाइड है, डाई हैलाइड है, ट्राई हैलाइड है, वो पॉली हैलाइड होता है। मोनो हैलाइड मतलब एक ही हैलोजन होगा, डाई हैलाइड में दो हैलोजन होंगे, ट्राई हैलाइड में तीन हैलोजन होंगे और पॉली हैलाइड में ज्यादा हैलोजन होंगे। डाई हैलाइड इज पॉली हैलाइड, डाई हैलाइड भी एक पॉली हैलाइड है, जैसे लिगेंड का किया क्लासिफिकेशन यूनिडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड, बिल्कुल वैसे ही। क्लियर, मोनो हैलाइड एंड पॉली हैलाइड। पानी मोनो हैलाइड एंड पॉली हैलाइड बिल्कुल वैसे ही। क्लियर, ओके। खावानू राखो, जूस पीवान राखो बराबर, नहीं तो कोई जो लगी दे एग्जाम टाइम पर बीमार पड़ सो कहू जाने संतरन जूस पीवान राखो बराबर। बंदा वाले कह जो हूँ बिछारी लेने आऊँ छू तेरा मंगलवार एक पेटी ने तो आया था ना सही बराबर। मैं ड्राई फ्रूट राखो बेबू छोटे खर्चो रही जैसे चिंता नहीं करवाई, एटली एनर्जी तमारी के इतने लाख बची जैसे खाओ पड़ी। उमर वधशे, ताकत वधशे, कमाई सकसो मजबूत रीते। नहीं तो दस एवं डॉक्टर बनता बनता तब पति रहो लाग आपसे तो तमाम हॉस्पिटल में तब तमु चेकअप करता हसो भाई शू कहू। हमें एम्बीशन एटलो खर्चो करे एम बॉडी फिटनेस पर सारू है एटला फिट रहे हवा हाँ सुधी स्कूले अड़ी खम उभा रहे तो बीजा ट्रस्टी ने कहो बहन बताए कुर्सी पर आटला कलाक ताकत नहीं है साइंसी स्कूल लॉन्ग चांस है खाओ बड़ी लंबी बारी के लिए एक्सेंट्री पर तो भाई तो अच्छे ऐसे खर्चो करे लंबी बारी एक बार झड़ से आवा कहीं गणों बार है जैसे पास है पर आज तो हूँ गणतरियों पास से बता के कहा था इस पास है चलो ले दारू नहीं गया तो बता है वाजो है जनरली मैं तो ये देखी सो तो भाषा लोगों देखा हमारे ठाकेड़ा पर आपसे लंबा चलो फिर भी खासे नहीं बैठो कैसे सुगे बोल दी वेला हुई जवान उड़ाते हो अरे हमके शायद कुछ खबर नहीं पड़ती। चलो हो गया, तो क्लासिफिकेशन में ये है मोनो हैलाइड मतलब एक ही हैलोजन होगा, डाई हैलाइड मतलब दो हैलोजन होंगे। डाई हैलाइड की तीन टाइप है जेमिनल विसिनल और अल्फा ओमेगा। तो जेमिनल विसिनल आपकी बुक में है, अल्फा ओमेगा मैंने अलग से पढ़ा है। अल्फा ओमेगा का दूसरा नाम था पॉलीमिथिलीन। क्या नाम था? पॉली हैलाइड अलग चीज होती है, पॉलीमिथिलीन अलग चीज होती है बराबर, ओके। उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ कार्बन पे, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी नहीं होता। जिस कार्बन के साथ हैलोजन है उसके पास एक कार्बन है तो प्राइमरी, जिस कार्बन के पास हैलोजन है उसके पास दो कार्बन है तो सेकेंडरी, जिस कार्बन के पास हैलोजन है उसके पास तीन कार्बन है तो टर्शरी। उसके बाद पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन पे, उसमें था एलाइल बेंजाइल विनाइल एराइल। क्या था? एलाइल बेंजाइल विनाइल एराइल। और एक मैंने पढ़ाया था एक्स्ट्रा, मैंने प्रोपागाइरेन। क्या पढ़ाया था? प्रोपागाइरेन। हाँ तो वो नीट ही था। आपको नीट क्या है बस यही होता है, इसमें दिया है विनाइल एराइल बेंजाइल और एलाइल, मैंने पढ़ा दिया था प्रोपागाइरेन। क्लियर, तो वो क्लासिफिकेशन था। तो यहां तक हमने बातें की हुई है, तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम खत्म करेंगे। इसके बाद है 10.2 जिसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर में दो टाइप के नोमेनक्लेचर रहेंगे, एक रहेगा कॉमन नेम
जिसके अंदर हम नॉर्मल आइसो नियो इस पे बात करेंगे कॉमन नेम में। नॉर्मल क्या होता है तो नॉर्मल की डेफिनेशन किसे याद है? मैंने जो पढ़ाई थी वो डेफिनेशन किसको याद है नॉर्मल की? सब चीजें याद करके आना पड़ेगा, पढ़ाया था वो रिपीट नहीं होगा, आपको पढ़ के आना पड़ेगा। आदतें खराब होने में नहीं देता हूं, कभी नहीं दी है, पास्ट में ना फ्यूचर में होने दूंगा, ना मेरी ना आपकी। एक आदत खराब पड़ गई है, उसे छोड़ने के लिए सालों से काम कर रहा हूं मैं, बनाए नहीं हुई है। मैंने ये बताया था तीन या तीन से ज्यादा कार्बन की स्ट्रेट चेन है तो उसे नॉर्मल कहेंगे। सबसे बड़ी बात मेरी यही थी, थ्री और मोर देन थ्री कार्बन की अगर स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल कहेंगे, अगर दो कार्बन की स्ट्रेट चेन है तो उसे नॉर्मल नहीं कहा जाता। क्लियर? हाँ, अल्केन और अल्काइन दोनों में नॉर्मल होते हैं। अरे नॉर्मल जो अल्काइल होते हैं वो 1 डिग्री होते हैं। वेरी गुड, समझ गए, पढ़ना पड़ेगा बस, बाकी कोई रास्ता ही नहीं। अब मैं ये सब चीजें रिपीट करूं, मैंने आराम से 1 महीना चलाया था ये चैप्टर, कितना तब जाकर मैं हाफ तक पहुंचा था। अब क्या करूं, 1 महीना और चला दू ये चैप्टर? पॉसिबल ही नहीं है। जो नहीं पढ़े वो भुगते हैं, या फिर हाँ ये तो मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से। अभी बोलो आपको रूल तो ये कहेगा, इसके रिचार्ज के और लाइट बिल जितना चले उसके भी आपसे पैसे रहने चाहिए ऊपर बिठा के। मैं तो होता था लेता, मेरी स्कूल में मेरे ट्यूशन में ऐसा हुआ उसे ले लेता मैं कि ऊपर ये प्रोजेक्टर इतना घंटे चालू रहा, इसका इतने यूनिट, हाँ बैठा इतने पंखे चालू रहे, इतना माइक का, इतना रिचार्ज का, नहीं इतना मैं बैठा लेक्चर दिखाने उसका। तो ये बुद्धि बोकन भाई, खबर पड़े क्या ही जमानो टाइम सर है इधर आते शो है बगीचो है नेकड़ा। चलो जो जानना होता है तो नॉर्मल आइसो नहीं होता। नॉर्मल की डेफिनेशन समझ में, आइसो का डेफिनेशन मैंने क्या पढ़ाया था? सेकंड लास्ट कार्बन पे गलत, सेकंड लास्ट कार्बन हैविंग मिनिमम 2 मिथाइल ग्रुप इज आइसो। क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था? सेकंड लास्ट कार्बन हैविंग मिनिमम 2 मिथाइल ग्रुप इज आइसो। मैं कभी ये नहीं कहता कि 2 मिथाइल ग्रुप है तो आइसो है, कम से कम अगर 2 मिथाइल ग्रुप है तो वो आइसो है, अगर 2 से ज्यादा है तो फिर भी वो आइसो है। मैंने एक कंसेप्ट समझाया था, एक बार आइसो एक बार नियो, नियो एक बार नियो 2 बार आइसो। आइसो पढ़े होता तेरे पास, सब लिंक पढ़ी हो लेक्चर की? मैं एक बार सबकी सब लिंक जो थी इस चैप्टर की ग्रुप में भेजी थी एक साथ, किसी के पास वो डेटा सेव होगा? मैं बहुत सारे मोबाइल चेंज किया, वो क्लाउड में से डेटा लेना पड़ेगा, अगर किसी के पास हो तो बता देना, ना हो तो भी मैं ढूंढ लूंगा, घर पे होगा कोई बात है, मैं ढूंढ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। चलो मैं एक एक लेक्चर सब ढूंढ लूंगा, इतने लेक्चर लिए मैं, सब रिकॉर्ड ही है मेरे पास, कुछ छुपाए हुए होंगे कुछ अंदर से, वो पता है मेरे को कहाँ से चालू होता है चैप्टर। चैप्टर चालू होता है यहाँ से, इंट्रोडक्शन से, ये वंशज और व्युत्पन्न से, और उसमें सारी ये भी तो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, उसमें तो महाराजा शिकार पे जाएंगे, घोड़ा भी दौड़ेगा, तबड़प तबड़प करके सब होगा। हाँ, और मैं जो भी यहाँ चालू करवाऊंगा आज को, उसकी एक बार लिंक मैं ग्रुप में भेज दूंगा, बरोबर। फिर डे स्कॉलर की प्रॉब्लम है कि वो लिंक देख के आते हैं कि बिना देख के, बाकी मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूछ के धोना चालू करूँ उसमें। वैसे तो बोलूं मेरे को सीधा पूछना ही होता है आके, पर आके धोना होता है, बाकी सुनना ही नहीं होता है कि हम लेट थे ना, हम ये थे ना। हाँ ये मत बोलना, उस टाइम फ्री में चल रहे थे क्लास, 10,000 वाली बात भी नहीं थी, बिल्कुल जब फ्री में चल रहे थे तब की ये बात है, अगर वो बहाना भी मत लाना। चलो खतरे, चलो तो बस यही है। दूसरा आयुपीएसी नाम क्या है? आयुपीएसी नाम की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस मैंने 19 सब लेक्चर्स में करवा दी, कल करवाए थे उससे भी बहुत ज्यादा अच्छे, तो वो भी हम देख लेंगे। आयुपीएसी नाम भी हमने करवा दिया है। अब जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, तो यहां से चैप्टर चालू करेंगे। कहां से चैप्टर चालू होगा? नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड।
जहाँ तक मुझे याद है ये भी करवाया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ से कर रहा हूँ सब तक। ये मैं समझना इतना ही करवाया है, जैसे जीएमपी खत्म होगी चैप्टर पीछे पूरा खत्म हुआ हो निकलेगा। नहीं समझे, मैं दो तीन पेज करवाऊंगा फिर आइसोमेरिज्म चालू हो जाएगा, फिर से चैप्टर खत्म वापिस। मैं क्यों ताने सुनू भाई, मैं क्यों सुनू सब, मैं तो पीछे रहूंगा नहीं सिलेबस में, क्यों रहूं। अरे चीज बोलू पता सब ना, मतलब मेरा फिक्स नहीं था मुझे यहाँ के काम करना है ऐसा, तो फिक्स किया मैंने यहाँ आने के बाद। वो पेरेंट्स मीटिंग हुई, फिर मैं दिमाग घुमा, फिर निकल गया, उसके बाद तो मैं फिक्स किया मेरे को यहाँ काम करके पढ़ाने का। इसलिए मैं ऐसे ही चल रहा था खाली, ओ हेड है, फिक्स होता मेरे को काम करना ही है इधर। हाँ अभी तक तो वैकेशन आएगी वो रीडिंग, तो आप फिक्स है कि करवाने में तमाम इच्छा हो कि ना हो, हमें तो धार धमकी थी करवाने बुद्धी बात में, कि मैं लुखी धमकी तैयार करवा मैं धमकी बद्दे खबड़ी बस तो थसे था। हाँ भाई ये नक्की है कि तमें मनो ने भी था ना खा दो गरम तेड़ी फरसो दो, इतलू नक्की पॉजिटिव रह सो तो नेगेटिव तो बोले तो कोई। हेलो अलकेन, हेलो रवि, अब इसमें पड़ी नहीं है कसु कमावा है। चलो हेलो अलकेन, हेलो रवि, अभी सी एक्स बॉन्ड नेचर करके एक टॉपिक है हमारे पास, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। टाइम क्या हुआ? 7:48। नाश्ता करके आए सब के, बाकी किसी का बाकी है नाश्ता करना? ओके कोई बात नहीं, चलो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड ऐसे चालू भी नहीं होगा। पहले खाली सी एक्स बॉन्ड समझ लो किसको कहा गया है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं, सी एक्स बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड बनता कैसे है, तो ओरिजिनल बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, वो ब्रेक करता है, हाइड्रोजन आपसे जुड़ता है, सी एक्स बॉन्ड बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन होता है, हाइड्रोजन। अभी बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट। और कोवेलेंट बॉन्ड तीन टाइप के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट। नॉन पोलर, पोलर और कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट। नॉन पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर का मतलब क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। नॉन पोलर का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, दोनों कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होगी, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होगी, दोनों की सेम ही होगी, दोनों कार्बन ही है। तो क्या होगा कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे कैसे पड़े रहेंगे, ना तो इस तरफ जाएंगे ना तो इस तरफ, तो यहाँ पे क्या कोई पोल नहीं बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पोल। पोल चार टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नॉर्थ एंड साउथ, बराबर। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल नहीं बनते, इसीलिए इसको नॉन पोलर कहा गया है। क्या कहा गया, और पोलर का मतलब जिसके पास दो पोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव बस। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसको बोलते हैं, ये हम कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन पैड ऑर्बिट करने से, इलेक्ट्रॉन पैड ऑर्बिट करने से जो बॉन्डिंग होती है उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग कहते हैं, उसको एरो से दिखाते हैं। ये सब हमें चैप्टर 9 में बातें करनी है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में बहुत सारी बातें करनी है ना। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करेगा कि बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पैर है उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, ये नहीं कहता कि ले ही लेगा, अगर ले ही लेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। अब आप बोले सर नेगेटिव चार्ज क्यों, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करोगे, अगर काजल की कोठरी में जाते हो तो काले होके आओगे, काजल भरी कोठरी में जाओगे तो काले होके आओगे। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव चार्ज को, तो ये पार्शियली कैसा होगा, नेगेटिव। और ये इलेक्ट्रॉन को जान ले रहा है तो ये पार्शियली कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट नहीं होती, पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कैसी होती है, पोलर कोवेलेंट। तो सीएक्स बॉन्ड का सबसे पहले नेचर यही है कि सीएक्स बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट। उसके बारे में बाकी की बहुत सारी बातें हम कल से स्टार्ट करेंगे, ये लेक्चर तो चालू रहेगा,
बाकी जिनको नोट्स देखनी हो बैठनी नोट्स देख लें, नोट्स नहीं देखनी और आगे का मैंने जो बोला कि ये करवा दिया है वो करना है तो शाम को 8:30 से बराबर हर रोज एक लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करवाया जाएगा, उसमें आगे बैठ जाना है चुपचाप से। मैं नहीं हूँ प्रेजेंट तो भी 8:30 बजे लेक्चर चालू करवा देना है, फिर राउंड में मैं आऊँगा। क्लियर? मैं नहीं हूँ प्रेजेंट तो भी 8:30 बजे लेक्चर चालू करवा देना है। लेक्चर कैसे और किस तरह से चालू करना है उसके लिए 1:30 बजे मुझसे आके मिले। कौन मिलेगा 1:30 बजे मुझसे आके लेक्चर चालू करवाने के लिए? प्रेजेंट तू आके मिलना, समझते हो? सब टेक्निकल आता है ना, कुछ भी चीज़ सिखा दे तो। हाँ, तो 1:30 बजे मुझसे मिलना। प्रवीण ही करेगा सारा सेटअप और किसी को टच भी नहीं करना है, सलाह सूचन कुछ नहीं देना है। मैं किसी को टेक्निकल गुरु नहीं बनने का है, यही करेगा, मैं सिखाऊंगा इसको। मैं इसे कहूँ नॉन कर देना है एक चीज। क्लियर? तो 8:30 बजे मैं आऊँ ना आऊँ, आप कितना बजे फ्री हो जाते हो? खाना बना, ये ऊपर सब खाली कितना बजे हो जाता है सब खत्म? खाना बना 8:30 बजे एकदम क्लीन करके, कोई अंदर एक मच्छर भी नहीं। 8:30 इससे पहले नहीं होता। हाँ, तो 8:30 बजे एक भी लेक्चर 1 घंटे से ज्यादा का नहीं होगा, बस 8:30 से 9:30 बजे आपको बैठ जाना है। क्लियर? और लेक्चर चालू करना है। पहला लेक्चर मैं आज तेरे को दिखा के जाऊंगा कहाँ से क्या है क्या नहीं। क्लियर? समझ गए? बस वही है तो कर देना। और डेव स्कॉलर के लिए मैं डाल दूंगा लिंक ग्रुप के अंदर, तो उनको भी इसी टाइम में देख लेना है, घर पे बैठ के देखना है, घर पे यहाँ आके देखना है यहाँ से। बाकी पहले लेक्चर में जो भी होगा मैं पहले 15 मिनट पूछताछ करूंगा, इसके बाद नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड स्टार्ट करूंगा। एक भी चीज में जवान लड़खड़ाई आंसर नहीं आया तो फिर वो गिफ्ट आपका ही है, बस। क्लियर? मेरा क्लियर है, मैं वचन देने के बाद जब तक प्राण है तब तक वचन नहीं जाने देता। क्लियर? आदत है मेरी ऐसी, बस प्राण जाए पर वचन न जाए। अब आपको भी अगर किसी के सामने आपने वचन दिया है तो आप भी निभाए, घर पे दिया होगा ना वचन तो निभाओ।